सिंह एफएम 100 पाकिस्तान प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जिसको कहते हैं ब्राइट होराइजंस. स्टूडियो में मौजूद हैं फेडरल हेड ऑफ शोतोकान कराटे इस्लामाबाद एंड आई एम समन. सो कीप लिसनिंग. और राइट जी, हम लोग वापस आ चुके हैं और बात हो रही थी कि अगर आप कराटे को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप हो जाती हैं. आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम का ज़्यादा कहेंगे कि आपके अंदर ज़्यादा आ जाती है. आपके अंदर फोकस बढ़ जाता है, आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है. और अगर तो आप घर के सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे हैं तो फिर आपको लाजमी चाहिए कि आप कराटे ज्वाइन करें. थोड़ी शरारत खत्म हो जाएगी फिर उन बच्चों के अंदर से. काफी हद तक खत्म हो जाती है. बच्चे तो होते ही शरारती हैं, फिर उनकी शरारत खत्म कर दें कराटे. हाँ, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा ना डिसिप्लिन आ जाता है और शरारत करते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन होता है. आई मीन डिसिप्लिन शरारत. हाँ, ये वैसे मैंने पहली बार ऐसी शरारत सुनी है जो काफी डिसिप्लिन होती है. अच्छा जी, और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कराटे के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और वो क्या क्या हैं. हम आईएसआईएस उनको डिस्कस भी करते रहेंगे. और जैसे कि हमें पहले सुलेमान साहब ने बताया कि कराटे जो है बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान और पाकिस्तान में पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शोतोकान कराटे इंस्टीट्यूट कहा जाता है. पहली नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर. नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे और भी हैं, बट दैट इज वन इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, दिस इज अ प्राइवेट वन. दिस वन इज प्राइवेट, बट दिस नॉट गवर्नमेंट. बट इक्वल टू गवर्नमेंट लेवल. ऑलराइट, नाउ इट्स लाइक इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट. अच्छा जी, एक और बात जो हमने बहुत पहले की थी और फिर मेरे जहन से थोड़ी सी निकल गई और वापस से आ गई जल्दी से यूं करके, हम बात कर रहे थे जूडो कराटे. जूडो कराटे हमेशा साथ लिखा होता है और लोग ये समझते हैं कि ये एक ही चीज़ का एक ही नाम है. तो ये बताइए कि इसमें असली बात क्या है. असली बात मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम के शुरू में बता दिया था कि अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग समझते हैं कि जूडो कराटे. इवन कुछ लोग कराटे वाले भी कहते हैं यार मैं जूडो कराटे करता हूँ. इट्स मीन के उनके इंस्ट्रक्टर या उनको बताता नहीं, क्लियर नहीं करता कि व्हाट इज जूडो एंड व्हाट इज कराटे. इनके जो फाउंडर हैं टोटली डिफरेंट हैं, इनका यूनिफॉर्म टोटली डिफरेंट है, इनके रूल्स टोटली डिफरेंट हैं, इनका फाइट स्टाइल टोटली डिफरेंट है. ओके, सो यू कैन से दैट बोथ आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, इट्स नॉट अ वन वर्ड. अच्छा जी, व्हाट इज मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इन लोगों को ज्यादातर जूडो की तरफ आना चाहिए या कराटे की तरफ आना चाहिए, या एट द सेम टाइम वो दोनों कर सकते हैं? एट द सेम टाइम दोनों कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, बट कराटे is more important than judo. Judo is also a good game, not bad game, but judo is like a kushti. All right. Like a wrestling. All right, yes. All right. So judo. For judo ke liye, you know, you need mattresses. Ab agar ghar mein judo training karte hain, you should have mattress. I mean, the big mattress, not the multi-form or something. All right. Big mattress. और कराटे के लिए यू डोंट नीड एनी मैचेस, ओनली ऑन द फ्लोर यू कैन डू. क्योंकि जूडो में खूब मारपीट होती है. मारपीट नहीं होती है, जूडो में थ्रोज होती है. पीपल कैन बी इंजर्ड. ये जूडो में थ्रोज, यानी आप अगले की बॉडी को उठा के जमीन पे गिराना, ये लाइक जूडो ऐसे होता है. ठीक है, तो जाहिर जब आप ट्रेनिंग करते हो, आप एक बच्चा है वो जूडो सीखता है तो वो घर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा. सपोज अपने भाई को उठाएगा, मारेगा नीचे, तो वो अगर उसको फर्श पे अल्लाह ना करे मार दे तो लग जाएगी. बिल्कुल ठीक है, दैट्स व्हाई उसके लिए एटमॉस्फेयर वैसा होना चाहिए. लेकिन आजकल क्योंकि रेसलिंग चैनल्स इतने ज्यादा हैं एंड पीपल आर क्वाइट इनटू द रेसलिंग, और जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक आपका जो टीनएजर्स होते हैं वो काफी उससे ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं और सो ट्राई करते हैं घरों में. तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम. वैसे वाकई में रेसलिंग के बाद एक पट्टी भी चलती है, उसे कहां भी जाता है, डोंट यूज इट, डोंट ट्राई दिस एट होम. तो उसको मत कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए. जाहिद हमारे साथ है मियां वाली से, और इसके अलावा हमारे साथ हैं राजा वकास. ठीक है वकास, हमें पता लग गया कि स्टार मिलता है तो उसका क्या मतलब होता है. बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें बताया. मुजफ्फराबाद से आप हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. एंड ऑफ कोर्स इफ यू गाइस, अगर अभी तक आप लोग नहीं जागे तो जल्दी से जाग जाइए, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज वी आर लैकिंग विद टाइम. बस बहुत कम टाइम, ऑलमोस्ट 20 मिनट हैं जी हमारे पास एक बजने में, और एक बजने से पहले हम आपको कहेंगे क्या, टाटा बाय बाय. तो आप हमें कॉल भी कर रहे हैं 051-111-111-100 पर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कराटे एंड जूडो. आपको चाहिए कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद ट्राई दिस एट होम श्योरली.
गाइज वी आर बैक और आपको बताते चलें कि अब बहुत 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 ही कम सा टाइम रह गया हमारे आपके साथ में एंड हम देख लेते हैं हमारे साथ इस वक्त कौन मौजूद है इस वक्त हाँ अदनान हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कराटे सीखा हुआ है अच्छा वैसे ये इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है वैसे ही इन्होंने सीखा हुआ है शौक किया बहुत अच्छी बात है वैसे सीखना भी चाहिए इस तरीके से भी ना कि आप देख देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बट डू नॉट इम्प्लीमेंट इट ऑन द अदर पीपल क्योंकि अगर आप दूसरों के ऊपर इसको करना शुरू कर देंगे सिर्फ ऐसे ही देख कर सीख कर तो अच्छा जी मुझे ये बताइए कि लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ में भी होते हैं अपने बच्चों को इन चीज़ों में डालने से पहले वो ये इस बात पे घबरा रहे होते हैं कि दे माइट बी गेट इंजर्ड उन्हें चोट लग सकती है वो जख्मी हो सकते हैं उनकी बोन्स ख़राब हो सकती हैं उनको ये हो जाएगा वो हो जाएगा सो दे आर क्वाइट कंसर्न अबाउट द फैक्ट तो व्हाट इज़ यू नो योर सजेशन टू देम मतलब मैं इस चीज़ को ट्रू नहीं समझता कि ऐसा होता हो अगर आपको प्रॉपर इंस्टीट्यूट एकेडमी मिलती है और प्रॉपर इंस्ट्रक्टर होता है तो वहाँ पे 1% चांस भी इंजर्ड होने का नहीं होता। क्योंकि कराटे में कुछ एक्सरसाइजेज और ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो बच्चा सेफ रहता है इंजर्ड नहीं होता अगर प्रॉपर ट्रेनर हो प्रॉपर इंस्ट्रक्टर हो लेकिन जब तक बॉन्ड्स आप कहेंगे ख़राब हो जाए या कोई इस तरह हो जाए पेरेंट्स अगर सोचते हैं तो देट माइट बी अबाउट द अकेडमी इंस्ट्रक्टर कि वो किस लेवल के आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं क्या करा रहे हैं तो ये मतलब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट होती है कि वो अगर जब कोई अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे शुड नो अबाउट द इंस्ट्रक्टर इन द बैकग्राउंड के उस अकेडमी का वो जाएँ वहाँ पे उसको देखें कुछ दिन ट्रेनिंग देखें कि लोग क्या कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इंजर्ड आज तक मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट 16 ईयर्स है आज तक मेरे किसी अकेडमी या मेरे सामने से कोई वाकया नहीं आया वो बच्चा इंजर्ड हुआ हो ऑलराइट सो आप लोगों का ये मसला भी अब हल हो चुका है और आपको जो है बस आंसर भी मिल गया और वाकई में इफ़ यू आर गेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और आपको बता दे चलें कि आप विजिट कर सकते हैं इसके आई इस्लामाबाद .org और भी जानने के लिए कराटे के हवाले से और इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कराटे के हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी से पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम को ख़त्म करने में ठीक है वैसे सलमान इट माइट बी द लास्ट लिंक ऑफ आर प्रोग्राम तो हम जल्दी से सेशन को रैप अप करते हैं अपने कराटे के बारे में जो जो बातें हमने की हैं टोटल अभी तक उनको जल्दी से आप किस तरीके से बता सकते हैं इसका प्रिंसिपल बताइए प्रिंसिपल तो मैंने आपको पहले बताया कुछ प्रिंसिपल्स मैंने शुरू में प्रोग्राम में बताया कि लाइक कराटे आई मीन स्टार्ट विद द बो एंड एंड विद द बो मीन द रिस्पेक्ट यानी जब एक कराटी का जब अकेडमी में आता है तो उसको पहले ये सिखाया जाता है कि वो अपने दोजो जहाँ ट्रेनिंग करता है उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है जो उसका इंस्ट्रक्टर है उसको कैसे उसने रिस्पेक्ट देनी है उसके सीनियर्स को कैसे देनी है और जब प्रैक्टिस एंड करते हैं तो उसको वैसे ही रूल वो फॉलो करना पड़ता है सेकेंडली मैंने ये बताया था कि वन हु प्रैक्टिसेस कराटे मस्ट फॉलो द वे ऑफ जस्टिस वो मैंने बात पहले की थी इसके अलावा इसमें सबसे अच्छा प्रिंसिपल ये भी है कि नो योर सेल्फ फर्स्ट देन यू कैन नो अदर्स मतलब आप जब अपने आप को पहचानते हो कि मैं क्या हूँ मैं कौन हूँ तो आप दूसरे को भी जज कर सकते हो दिस इज द वेरी मतलब बेस्ट प्रिंसिपल इन दिस कराटे ये चीज़ होती है इसके अलावा स्पिरिट एंड माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टेक्निक आपके अंदर जो करने का एक जज्बा है स्पिरिट है और आपकी माइंड पावर वो टेक्निक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्यों अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है और आपके अंदर स्पिरिट है कि आप कुछ करना चाहते हो और जो टेक्निक आप सीखते हो तो उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए ये दो थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अलावा आई मीन कराटे ये भी कहते हैं कराटे इज जस्ट लाइक हॉट वाटर इफ यू डू नॉट गिव इट कंटिन्यूस हीट इट विल बिकम कोल्ड मीन ये होता है कि जब तक आप एक कराटे ट्रेनिंग करते हो और करने के बाद आप छोड़ देते हो ठीक है आप एक्सरसाइज नहीं करते हो आप टेक्निक्स नहीं करते हो तो यू विल ड्राई आई मीन आप खुश्क हो जाओगे बिल्कुल लाइक एग्जांपल मैंने दे दी कि लाइक हीट वाटर क्या जब तक उसको बॉयल रखोगे तो हीट रहेगा जैसे उन्हें छोड़ दिया कोल्ड हो जाएगा अच्छा इसके अलावा और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट थिंक
that you have to win. Think rather that you do not have to lose. बिल्कुल. This is very important. कि आप ये सोचिए कि आपने जीतना है. आपने जीतना है. ठीक है. ये आपने spirit आपके अंदर होना चाहिए. ये जो मैंने पिछले point में बात की थी कि अंदर spirit होना चाहिए. बिल्कुल. ठीक है. और be aware all at all times that you have millions of potential opponents. ठीक है. आपको इससे भी अवेयर होना चाहिए. वो कहते हैं अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो. दिस इज आल्सो आई एम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट. अच्छा जी, हमने इसके प्रिंसिपल के हवाले से बात की और बहुत सी ऐसी चीजें जो आप और भी सीखना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं. आपको मैंने वेबसाइट बता दिया, थ्रू दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट इट. और आपको ये बताते चलें कि आप प्रोग्राम सुन रहे थे ब्राइट होराइजन, मेरे साथ मैं हूं समन. और आज प्रोग्राम में हमने बुलाया था फेडरल हेड ऑफ शोतोकान कराटे इस्लामाबाद, कराटे इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद. बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमारे साथ ही हमारे प्रोग्राम में आए. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. और लोगों को बहुत आपने बताया एंड आई नो कि अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरफ मोटिवेट होंगे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में. मुझे आप दोबारा सुनेंगे अगेन ऑन संडे एट 11 ब्राइट होराइजंस में विद अ वेरी न्यू जबरदस्त टॉपिक. आपको ये भी बताना चाह रही थी मैं. ऑल राइट, आपको ये बताना चाह रही थी कि आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं djsaman@fm100pakistan.com. और मुझे काइंडली ये भी बताइएगा कि कोई अगर ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें या फिर यूथ के मसले हल हों और आपको कोई आंसर चाहिए, कोई भी क्वेरीज हैं आपकी उन्हें सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर ईमेल कीजिए. एंड डू लेट मी नो अबाउट दीज थिंग्स. मेरे बाद ज्वाइन करेंगे आपको अरसलान इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जनाब लेट्स टॉक. आप अरसलान को सुन सकेंगे आफ्टर मी. वेलकम टू द प्रोग्राम, कहूँगी मैं अरसलान को आफ्टर मी. और राय जी मुझे दीजिए इजाज़त और सलमान को भी दीजिए इजाज़त. आपसे दोबारा मुलाकात होगी मेरी ऑन संडे. जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा. रब राखा. I'm